श्री गुरुभ्यो नमः श्री गया गदाधरा नमः श्री विष्णुपादो विजयते गदाधरम विष्णुपदम अष्टादश पदाम्रविम वंदे अक्षयवटम फल्गुम लक्ष्मीम गौरीम गयेश्वरी मकर संक्रांति पुष्यमास संपूर्ण खरमास होता है जिसे धनुर्मास भी कहा जाता है। सूर्य धनु राशि में रहते हैं। जिस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं वही मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति अत्यंत विशेष पर्व है जो आत्मोद्धारक भी है एवं जीवन पथ प्रकाशक पर्व भी है। इसलिए क्योंकि सूर्य भगवान इस दिन मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा से होते हुए प्रयाण करते हैं जिसे उत्तरायण पर्व पुण्यकाल भी कहा जाता है। ये उत्तरायण पर्व पुण्यकाल में जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे नवजीवन सुधरते हैं, वसंत ऋतुएं आगे आती हैं, बहुत सारे नवजीवन खिलते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण पर्व पुण्यकाल का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का अत्यंत विशेषता है। उस दिन षट तिल कर्म करने का विशेषता शास्त्रों में बतलाया गया। षट तिल कर्म यानी तिल का उबटन लगा के शरीर में लगाना, तिल पानी में डाल करके उसके पानी से स्नान करना, दो, तीसरा तिल से तर्पण करना, चतुर्थ तिल से भगवान का तिल तेल का दीपक जलाना, पांचवा तिल नैवेद्य तिल का भोजन बना करके देवता को अर्पण भी करना एवं तिल से हवन भी करना, और तिल से तिल का भोजन युक्त भोजन में मिला करके सफ़ेद तिल के लड्डू हैं, सफ़ेद तिल के आज आप जानते हैं यह गया क्षेत्र तिलकुट के लिए बहुत ही विशेषता जगह है, इसलिए कई लोग तिलकुट का भी उपयोग करते हैं। इस दिन तिल भक्षण भी करना, तिल खिलाना भी, और महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में वहाँ बोला जाता है कि आप तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के दिन तिल और गुड़ लोगों को खिलाना भी स्वयं खाना भी, यही मकर संक्रांति पर्व का विशेषता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण पर्व निकाल करते हुए जाते हैं, इसलिए कल विशेष सूर्य का आराधना करना, सूर्य के सभी नामों का जप करना, सूर्य अर्घ्य देना, इससे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों में अनेकों अनेक प्रमाण है मकर संक्रांति। अपना परिचय दे दीजिए। पंडित राजा आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, सह व्यवस्थापक, मंत्रालय रामाचार्य, वैदिक पाठशाला, गया विष्णुपाद क्षेत्र।